हाय गाइस, एशटेक चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक का बटन दबाना मत भूले। आज मैं आपको 3-स्पीड FCU मोटर जो है इसका वाइंडिंग्स को चेक करने का हाई मीडियम लो स्पीड और कैपेसिटर और न्यूट्रल को बताऊंगा कैसे चेक करते हैं। ये जो मोटर है ब्लोअर माउंटेड मोटर है, ये FCU कॉइल का, और इसमें ऑलरेडी दिखाया हुआ है, दो सर्किट्स लगाया हुआ है, तो इससे मालूम पड़ जाता है कि कैपेसिटर का है। सपोज़ किसी ने इसके वायर्स कट कर दिए और आपको मालूम नहीं पड़ रहा है कि इसमें कैपेसिटर कौन सा है, न्यूट्रल कौन सा है, अर्थिंग कौन सा है, तो हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। ये 3-स्पीड FCU मोटर है, इसमें टोटल 7 वायर्स है, हाई मीडियम लो न्यूट्रल अर्थ और कैपेसिटर टेस्ट करेंगे हम लोग। माइक्रो क्लैमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे डाल देते हैं और दोनों प्रोब जो है अभी ब्लैक और ग्रीन को, ग्रीन और येलो जो वायर दिख रहे हैं उन पे लगा है, इसमें कंटिन्यूटी नहीं है। अभी हमने इस ब्लैक और ब्लू को लगाएंगे। अभी हमने ब्लैक और ब्लू को प्रोब जो है मल्टीमीटर क्लैमीटर के लगा दिया है। अभी इसमें 21.3 ओम्स दिखा रहा है, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि 21.3 ओम है, ब्लैक और येलो और ग्रीन का नहीं, ब्लैक और ब्लू का है वो, सॉरी, ब्लैक और येलो में कुछ नहीं था, वहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं था, ब्लैक और ब्लू में 21.3 ओम है। अब हम ब्लैक और रेड को चेक करेंगे। अभी ब्लैक और रेड को चेक करें तो इसका रेजिस्टेंस है 59.8। क्योंकि ये जो फैन मोटर FCU, इसमें वायरिंग्स का नहीं दिया हुआ है कि कौन सा वायर कौन से स्पीड के लिए है, सिर्फ उसका वैटेज वगैरह दिया हुआ है, तो हमें आइडेंटिफाई करना है। अभी ब्लैक और वाइट को चेक करेंगे, ब्लैक और वाइट को टर्मिनल में लगाएंगे तो 46.3 ओम्स दिख रहा है, तो ग्रीन और येलो वायर छोड़ के बाकी सारे वायरों में कंटिन्यूटी रेजिस्टेंस दिखा रहा है। रेजिस्टेंस कम रहेगा तो बजर का साउंड आएगा, और रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो बजर का साउंड नहीं आएगा, सिर्फ रेजिस्टेंस शो करेगा मल्टीमीटर में। अभी वाइट और ब्लू में लगाए तो 67.6 आ रहा है। Thank you.
ब्लू और रेड का 38.6 ओम्स आ रहा है। ये सारे इतने सारे पैरामीटर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको चेक करके बता रहा हूँ कि हर एक इसमें वाइंडिंग्स रेजिस्टेंस जो है आ रहा है, और रेजिस्टेंस आपको कैसे वेरी होता है ये मालूम पड़ जाता है। तो डिटेल जो मोटर का वाइंडिंग रेजिस्टेंस को जानने के लिए ये वीडियो बनाया हुआ है मैंने, मुझे लगता है ये आपको भी यूज़फुल होगा। जो फाइनल वाली रीडिंग हम लोग लेंगे उसी में हमें कैपेसिटर के लिए कौन सी वायरें, न्यूट्रल कौन सी है, हाई मीडियम लो स्पीड कौन सी है मालूम पड़ जाएगा। ये सारे पैरामीटर्स भी ज़रूरी होते हैं, लेकिन जो लास्ट वाला जो रीडिंग्स लिए उसमें सब मालूम पड़ जाएगा हमें। ये रेड येलो इसमें कंटिन्यूटी नहीं है। अभी हम ग्रीन और येलो में रेजिस्टेंस चेक करेंगे। जैसे कि ऑलरेडी पिन दिया हुआ है इसमें मालूम पड़ रहा है कि कैपेसिटर के लिए है, तो इस अभी हम लोग इसको रेजिस्टेंस चेक करके देखेंगे। ये 162.1 ओम्स है। अभी हम ग्रीन वायर के साथ बाकी सारे वायर्स को चेक करेंगे। ग्रीन के साथ वाइट चेक करेंगे, ग्रीन के साथ रेड चेक करेंगे, ग्रीन के साथ ब्लू चेक करेंगे, ग्रीन के साथ ब्लैक चेक करेंगे, ग्रीन के साथ येलो ग्रीन चेक करेंगे। ये देखिए ग्रीन के साथ हमने वाइट चेक किया तो ये कंटिन्यूटी दिखा रहा है, मीन्स ये वायर जो है वाइट वायर के साथ कनेक्ट है। इसका मतलब ये जो वाइट जो है ये न्यूट्रल है इस मोटर का। ग्रीन और रेड इन सब में रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ दिखाएगा। ये जो 106 ओम्स 0.2 ओम्स दिखा रहा है। अभी हम ग्रीन और ब्लू को चेक करेंगे। अभी 67.6 ओम्स दिखा रहा है। अभी ग्रीन और ब्लैक को चेक करेंगे। 46.3 दिखा रहा है। अभी सारे वायरिंग्स को
चेक करने के बाद ही हमें कैपेसिटर का वायर कौन सा है, न्यूट्रल तो मिल गया हमें, हाई मीडियम लो स्पीड कौन सी है, सब मालूम पड़ जाएगा। अभी ग्रीन और येलो ग्रीन को चेक करेंगे। ये येलो ग्रीन जो है किसी में सब में ये कंटिन्यूटी नहीं है, इसका मतलब ये जो येलो ग्रीन है अर्थिंग है। तो कलर कोड से मालूम पड़ ही जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली करके दिखाया है यहाँ पे कि जो येलो ग्रीन से कौन किसी वायर का कोई कंटिन्यूटी नहीं है। अभी येलो और वाइट को चेक करेंगे। ए 162 मीन्स अभी इन रीडिंग में से सबसे हाईएस्ट रीडिंग रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा, वो जो है कैपेसिटर का रहेगा, कैपेसिटर वायर, कैपेसिटर का कनेक्शन जाएगा। और दूसरा हाईएस्ट रहेगा वो जो न्यूट्रल रहेगा, और थर्ड हाईएस्ट रहेगा वो जो लो स्पीड रहेगा, उससे जो कम रहेगा वो जो है मीडियम स्पीड, और उससे भी कम सबसे ज़्यादा कम रहेगा वो रनिंग वाइंडिंग रहेगा। ये देखें ये 172, इसका मीन्स जो येलो वायर जो है, येलो वायर जो है ये जो है कैपेसिटर को जाएगा, अभी हमने वह येलो और ब्लू को चेक किया तो ये 137 ओम्स दिखा रहे हैं। ये जो है येलो और ब्लैक जो है 115 ओम है। इससे ये मालूम पड़ता है कि येलो और ग्रीन जो है, ग्रीन जो है न्यूट्रल के साथ कनेक्ट किया हुआ है, और येलो जो है कैपेसिटर को जाएगा, रेड जो है लो स्पीड है, ब्लू जो है मीडियम स्पीड है, और ब्लैक जो है हाई स्पीड है। अभी इसमें 7 वायर्स है, इसलिए हमें ये पूरा प्रोसेस सारे रीडिंग्स हमने नोट कर लिए। अभी हम हर एक वायर के साथ बॉडी को टेस्ट करेंगे। ये देखिए कोई कंटिन्यूटी नहीं है, देखिए कोई कंटिन्यूटी नहीं है। अभी रेड और बॉडी को टच किया, कोई कंटिन्यूटी नहीं है। अभी ब्लू और बॉडी को टच किया, सॉरी ये क्लेमीटर ऑफ हो चुका है, इसको आगे रिटर्न ऑन करेंगे। ओके, अभी रेड और बॉडी को चेक करेंगे, नो कंटिन्यूटी। ब्लू और बॉडी को चेक करेंगे, इसमें कोई कंटिन्यूटी नहीं है। ब्लैक और बॉडी को करेंगे, कोई कंटिन्यूटी नहीं है। इसका मतलब ये वाइंडिंग जो है बॉडी को ग्राउंड नहीं है, अभी जो है कंटिन्यूटी दिखा रहा है येलो और ग्रीन के साथ। इसका मीन्स जो येलो और ग्रीन है वो अर्थिंग है, इसके वजह से ये जो है आपको कंटिन्यूटी दिखा रहा है। ये जो येलो और ग्रीन वायर जो है अर्थिंग है, ये बॉडी के साथ ग्राउंड है, इसलिए आपको कंटिन्यूटी दिखा रहा है।
अभी ये येलो और ग्रीन जो है कंटिन्यूटी दिखा रहा है, इसलिए वो अर्थिंग है और बाकी किसी वायर में कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब आपका मोटर सही है और उसमें येलो जो है कैपेसिटर को जाएगा क्योंकि उसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है 172, और जो ग्रीन जो है वो वाइट के साथ वायर के साथ इंटरकनेक्टेड कनेक्ट है क्योंकि वाइट का जो दूसरा जो रेजिस्टेंस है 162 वो जो है वाइट वायर का रेजिस्टेंस है